अच्छा, तो दारू का मामला है, छुड़ा देंगे, 4 दिन में ही छुड़ा देंगे। मैं दारू की वजह से बहुत परेशान हूँ, घर का सारा सामान बिक गया, पेटीकोट तक खरीदने का पैसा नहीं है। अच्छा, क्यों बे, क्यों पीता है इतनी दारू? अरे महाराज जी, मैं कहाँ पीता हूँ, दारू तो ये पीती है, मुझे बिना बात के लपेट दिया। ये हम क्या सुन रहे हैं, आप दारू पीती हो? अरे अभी आपको इसके बारे में पता ही क्या है, झेल तो मैं रहा हूँ। दारू पीने के बाद ये डाकू हसीना से भी खतरनाक हो जाती है, इसका कोई सामना नहीं कर पाता। अगर ऐसी बात है तो मैं इसको शराब दे दूंगा। रहने दो बाबा, शराब का ही तो सारा झगड़ा है, तुम और दे दो। मूर्ख स्त्री, हम उस शराब की बात नहीं कर रहे हैं। तो और कौन सी की बात कर रहे हो, ये कच्ची वाली की तो बात नहीं कर रहे, वो मैं ना पीती। अच्छा तो बताओ कितनी पीती हो एक दिन में? ज्यादा नहीं बाबा, बस थोड़ी सी। थोड़ी सी कितनी? अरे बाबा बहुत ही थोड़ी सी बाबा, बहुत कम। अरे फिर भी कितनी थोड़ी बता दो। यही कोई एक दिन में 5-6 बोतल। क्या 5-6 बोतल, ये थोड़ी होती है? इसलिए तो और मंगवानी पड़ती है। अच्छा ये बताओ, एक मिनट रुको, मैं पहले पैक मार लूं, उसके बाद बात करती हूँ। बाबा इसको पीने से रोको, अगर इसको नशा ज्यादा हो गया तो तुम्हारी दुर्गति कर देगी। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, पीने दो, बहुत देखे हैं ऐसे। अब बोल पाखंडी। सीधा बाबा से पाखंडी, काम की बात कर, तू यहाँ दारू छुड़वाने आई थी ना? अबे जा, तू क्या मेरी दारू छुड़वाएगा, मैंने तेरे सामने ही 2 पैक मार लिए, तुझसे तब तो कुछ ना हुआ। मैंने बोला था ना, पीने के बाद ये चुड़ैल से भी घातक हो जाती है। मैं इसे भस्म कर दूंगा। तू करेगा भस्म मुझे? अरे समझाओ यार इसे, तुम्हारी बीबी है ये, मेरी मानती तो मैं इसे आपके पास लाता ही क्यों, तब तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, बहुत देखे हैं ऐसे, अब देखो। अरे यार घर पे कैसे काबू करता है इसे, कुछ तो बता। यो काबू देती ही ना है, मैं तो खुद इसकी दारूबाजी से परेशान हूँ। मेरी दारूबाजी से परेशान है तू? मैं तो खुद तेरी लुगाईबाजी से परेशान हूँ, रोज नई नई औरतों से मुंह मारने की आदत है ना तुझे? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हो। इसलिए तो मैं पीती हूँ, गम में पीती हूँ, तू बेवफाई करता है मेरे साथ। अगर प्राण बचाने हैं तो यहाँ से भागने में ही अकलमंदी है। अरे ये आप क्या कर रहे हो, ये काम तो मेरा है। लेकिन तू अपनी जिम्मेदारी समझती कब है, होश में आएगी तब तो करेगी। अरे नहीं, आप तो मेरे परमेश्वर हो, मेरे सब कुछ हो, मैं अपने होते हुए आपको ये काम नहीं करने दूंगी। अच्छा ये परमेश्वर तब कहाँ चला गया था, जब तूने मेरे मुंह में तमंचा घुसेड़ा था? अरे छोड़ो इन नशीली बातों को, उस वक्त मैं नशे में थी। किसी दिन नशे नशे में मेरा कत्ल कर देगी तू? अरे नहीं ऐसा मत बोलिए, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, मैंने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं, हमारा 7 जन्मों का साथ है। मैं तो इस जन्म में ही दुखी हूँ तुझसे। क्या बोला आपने? कुछ नहीं बस, वो सही बात है तुम्हारी, मैं अपने होते हुए आपको कष्ट आने ही नहीं दूंगी, आप मेरे साथ अंदर चलो। अब क्या यहाँ मेरी आरती उतारेगी? नहीं आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, आप आराम कर लेना, मैं आपकी टांगे दबा दूंगी। अगर तुम रोज इसी तरह शांति से रहा करो तो ये घर स्वर्ग ना बन जाए? आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द इस घर को स्वर्ग बना दूंगी और आपको स्वर्गवासी। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ले आई पानी? पानी पिएगा तू? मेरे इंतजार में बैठा है प्यासा। ये क्या बकवास कर रही है तू? तू पी कर आई क्या फिर से? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की, चल नीचे उतर। अरे यार तूने तो बोला था। माफ कर दे, गलती हो गई। गलती? और ये मुफ्त का खाना ठूस रहा है, काम तो कुछ करता नहीं है। अरे यार तुम्हें अचानक क्या हो जाता है, अभी तो बोल रही थी तुम आराम कर लेना, तुम्हारी टांगे दबा दूंगी। टांगे दबाऊंगी नहीं, टांगे तोड़ दूंगी, टांगों में छेद खोल दूंगी। अबे ओ पति की पूछ, आज से तू मेरी टांगे दबाएगा और मेरा पेटीकोट भी तू ही धोएगा। हाँ धो दूंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो, कल 2 बोतल अपनी तरफ से ला के दूंगा तुम्हें। चल ठीक है, किया तुझे माफ।
तुम यहाँ पर बैठी हो, तुम्हारा पति देखो वहाँ क्या गुल खिला रहा है। नहीं नहीं लुगाइयों से फोन पर बात कर रहा है। अच्छा किधर है वो मुझे बताओ। मेरे साथ चलो और अपनी आँखों से देखो उसकी अश्लील हरकतें। अरे ये तो वही दारूबाज औरत है, इससे तो भगवान बचाए। अरे महाराज जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं पेड़ पर? वो मैं यहाँ तपस्या करने आया था। आप मेरे घर पर चलिए, मुझे सेवा का एक अवसर प्रदान कीजिए। नहीं मैं स्त्री से सेवा करवा कर पाप का भोगी नहीं बनना चाहता। तुम बाबा को यहीं तपस्या करने दो, मेरे साथ चलो वरना तुम्हारा पति वहाँ से निकल जाएगा। अरे यार जानू कैसी बातें कर रही हो, तुम तो जानती हो मेरी बीवी एक नंबर की शराबी है, किसी दिन नशे की हालत में ही उसका गला घोट दूंगा। ये मेरे ही बारे में बात कर रहा है ना? और किसको बोलेगा, तुम ही तो हो उसके रास्ते का कांटा। मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है ये? अरे उस बेवड़ी को क्या पता पति का सम्मान क्या होता है, वो तो बस बोतल पीना जानती है। इसको छोड़ूंगी नहीं, चार बोतल इसके नाम से ही सही। अरे मेरी बीबी का टेंशन तुम मत लो, उसको एक बोतल पिलाओ और तलाक के पेपर पर साइन करवा लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पता नहीं कितना गिरा हुआ है ये आदमी। वो दारू पीती है, मुझे इस बात का दुख नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है कि वो दारू पीकर मर नहीं रही बल्कि मुझे मारने को तैयार हो जाती है। देखिए अपने पति की घटिया हरकत तुमने। किसी दिन मैं ही उसकी दारू की बोतल में जहर डाल दूंगा। बस बहुत हो गया, जब देश की लाखों महिलाएं शराबी पतियों को बर्दाश्त कर सकती हैं, उनकी मार खा सकती हैं, तो क्या एक आदमी एक शराबी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता? अरे तुम यहाँ, मैं तो मस्ती कर रहा था। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ, जब एक मर्द एक शराबी औरत को नहीं झेल सकता तो वो बेचारी लाखों औरतें उन शराबी मर्दों को कैसे झेलती होंगी। तुम्हारी बात सही है, मैं समझ गया। अभी नहीं समझा तू, मैं समझाती हूँ, जरा वो मेरा सिस्टम निकालो। अरे अरे ये क्या कर रहा है तू, मुझे मरवाएगा क्या? हाँ अब बोल क्या भौंक रहा था तू? तुमने जो कुछ भी सुना उसको एक बुरा सपना समझ कर भूल जाओ। फिर आ गई अपनी औकात पर, लगता है आज मुझे मार कर ही छोड़ेगी। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए PM Tones को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।